दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या होता है पकड़ुआ या पकड़वा विवाह। बिहार में बहुत है चलन में। आइए जानते हैं कि कैसे होती है ये शादी। दोस्तों, भारत में शादी की रस्म रीति रिवाज के साथ होती है, लेकिन बिहार में पकड़ुआ विवाह भी खासा प्रचलन में है। कहते हैं कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन उस स्थिति को आप क्या कहेंगे जहां ये आपको जबरन गुंडई के दम पर खिलाया जाता है, आपकी मर्जी के विरुद्ध खिलाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पकड़ुआ या पकड़वा विवाह के बारे में, जो बिहार के कुछ जिलों में बेहद पॉपुलर है और ये पिछले काफी समय से चला आ रहा है। हालांकि समय बदलने के साथ इस प्रथा पर काफी रोक भी लगी है, लेकिन अभी भी ये जारी है। इसे फोर्स मैरिज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इच्छा के बगैर जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, बताते हैं कि करीब 1980 के दशक में बिहार के कुछ खास जिलों, जिसमें बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, मोकामा, जहानाबाद, गया आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, वहां पर इसका ज्यादा जोर था। वहां कई ऐसे गिरोह भी थे जो इसी काम में लिप्त थे और लोग वहां इनसे खासा खौफ भी खाते थे। पकड़ुआ या पकड़वा विवाह यानी ऐसी शादी या विवाह जिसमें शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवाई जाती है। उसे मारपीट के दम पर या डरा धमका कर शादी करा दी जाती थी। कुछ साल पहले इसी मसले पर एक टीवी सीरियल भी भाग्य विधाता नाम से आया था। लोग बताते हैं कि इन पकड़ुआ विवाह को कुछ साल बीतने के बाद मान्यता मिल जाती है। बताते हैं कि इसका इतना खौफ था कि बाकायदा छात्र नौकरी पेशा लड़कों को खास हिदायत दी जाती थी कि वो शादी के सीजन में घर से बाहर ही ना निकलें, और निकलें भी तो सावधानी के साथ। आलम यह था कि बाकायदा इसके लिए गिरोह चलते थे और शादी के सीजन में इनकी बहुत डिमांड रहती थी। पकड़ुआ विवाह के मामले बेगूसराय में काफी दर्ज किए गए थे। बताते हैं इसके लिए बाकायदा गिरोह थे जो इसी काम में लिप्त थे, जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले नाबालिग लड़कों से लेकर नौकरी करने वाले नौजवानों की जानकारी रखते थे और उनका अपहरण कर उनका पकड़ुआ विवाह करा देते थे। इस शादी में आनन फानन में मंडप तैयार किया जाता है और लड़की को दुल्हन की तरह तैयार कर उसकी मांग किडनैप कर लाए लड़के से भरवा दी जाती है। ऐसी शादी के लिए ना ही लड़का मानसिक तौर पर तैयार होता है, ना ही लड़की, बल्कि कभी कभी तो नाबालिगों की भी इसी तरह से शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों को साथ निभाने की कस्में खिलाई जाती हैं। शादी के कुछ दिनों बाद लड़के को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचकर इसकी जानकारी देता है। दोस्तों, बताते हैं कि थानों में पहले अपहरण की घटनाएं दर्ज तो होती हैं, मगर बाद में वर वधु पक्ष के बीच समझौता हो जाने के बाद केस को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पकड़ुआ विवाह के बारे में, जो कि बिहार में काफी प्रचलित था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।